टू अनदर व्लॉग गाइस। और आज हम आ चुके हैं मैसूर, जो कि है कर्नाटक में। और अभी हम खड़े मैसूर के रोड्स पर। यहाँ पर काफ़ी मस्त सिटी है और यहाँ पर एक से एक लग्जरी कार सब मुझे देखने को मिली थी। मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि मेरा फ़ोन था बस के अंदर। बस यहाँ पर ये यह पीछे काफ़ी लंबी बस है, देख सकते हैं आप। अंदर सारी सुविधाएँ अपनी बस में भाई। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर कुछ हैंडीक्राफ्ट और जो फैक्ट्री सेक्शन है, जहाँ पर शायद चंदन वगैरह और यहाँ का जो फेमस क्लॉथ मार्केट टाइप कुछ है आई थिंक, जहाँ पर ले जा रहे हैं। तो अभी वहाँ पर हम जाएंगे। और यहाँ पर ये पीछे ब्लैक फॉर्च्यूनर भाई बहुत तगड़ी लग रही है यहाँ से देखने में। और इसका नंबर भी आई थिंक VIP है, 0008। और अब हम आ चुके हैं मैसूर के सबसे फेमस जगह, जो कि है यहाँ का गार्डन, वृंदावन गार्डन के नाम से फेमस है। और ये इंडिया का फर्स्ट गार्डन है जो यहाँ पर बना हुआ था। यहाँ पर पीछे गार्डन है और जो पीछे साइड वहाँ पर डैम है और डैम से जस्ट कनेक्टेड है ये गार्डन, और वहीं से सारी इलेक्ट्रिसिटी आती है। अभी हम आए हैं दिन में, बट यहाँ का जो सीन है और रात का थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, बट जो टाइमिंग डिसाइड था वो दिन का ही रहा है, तो इसी वजह से दिन में आए। अंदर जाकर सारी चीज़ें दिखाऊँ, यहाँ पर कैमराज अलाव हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और बने रहिए मेरे साथ, सारी चीज़ें दिखाऊंगा मैं इस गार्डन की, काफ़ी खूबसूरत गार्डन है। हम आ चुके हैं यहाँ पर, जहाँ पे टिकट यहाँ पर कटेंगे 50 रुपये टिकट है। और यहीं से एंट्री है बगीचे की, यहाँ से बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है बगीचे की। और जो इधर साइड है वो पूरा का पूरा डैम है। तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं, पहले यहाँ से टिकट कटवाएंगे। डालिया टिकट तो अब हम जाएंगे अंदर। फाइनली हमने ले लिए एंट्री और अब हम जाएंगे इधर। यहाँ से रास्ता इधर कुछ शॉप्स है जहाँ पर अगर कुछ खरीदना हो तो खरीद सकते हैं। और यहाँ से इंटर करेंगे हम अंदर। अंदर इंटर कर चुके हैं और भी अंदर जाएंगे, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता है कि यहाँ रास्ता कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है। ये पूरा वृंदावन गार्डन है। अब इंटर कर चुके हैं इस टाइप की गलियों में, जो यहाँ पर इसी टाइप की गलियाँ बनी हुई है जिसके ऊपर मस्त छाया बनी हुई है। यहाँ से घूम फिर के आप देख सकते हैं काफ़ी सारा नज़ारा। रहा हूँ अल्ट्रा स्टेबल मोड और यहाँ पर काफ़ी मस्त नज़ारा है। मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ से काफ़ी मस्त नज़ारा लग रहा है। और इसके उधर साइड पूरा का पूरा डैम बना हुआ है, और इधर से उस डैम की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो यहाँ पर आती है। पर अभी तो यहाँ पर मोटर्स यूज़ हो रही है, लेकिन रात में यहाँ पर काफ़ी सारी लाइटिंग्स होती है जिसकी वजह से ये काफ़ी बढ़िया लगता है। यहाँ पर देख सकते हैं। और चलते हैं आगे, काफ़ी सीन्स कवर करना है। अरे यहाँ से जो आप सिनेरियो देख रहे हैं ये स्टार्ट हो रहा है बहुत आगे से, और वहाँ से पानी नीचे आता जा रहा है डिप्रेशन में, और यहाँ तक पूरा पानी आता जा रहा है और यहाँ पर आकर बन रहा है एक मस्त सीन। और इसके बाद भी कंटिन्यू वहाँ तक चलता जा रहा है और स्टार्ट हो रहा है वहाँ से, तो हम चलते हैं वहीं डायरेक्टली और वहीं से दिखाएंगे आपको पूरा का पूरा सीन। तो बने रहिए। ये आ रहा है पानी और ये हमने किया है सीन शूट, जो पानी जा रहा है यहाँ से होते हुए आगे तक, देख सकते हैं, जो कि स्टार्ट होता है यहाँ से, सिनेरियो रिपीट होता है यहाँ से पूरा का पूरा वहाँ तक, पूरा सिनेरियो पूरा का पूरा रिपीट हो रहा है। इधर साइड में अब आ चुके हैं कुछ चीज़ें बोल सकते हैं इसको, गलियाँ गार्डन्स की, और काफ़ी मस्त गार्डन है यार। यहाँ से दिखाता हूँ मैं, और ये सामने दीवार देख रहे हो, पूरी की पूरी डैम की दीवार है। यहाँ पर डैम से कनेक्टेड है तो पूरी की पूरी डैम की दीवार है। और ये आ गया गार्डन। मैंने कोई फिल्टर्स यूज़ नहीं किया है और मैंने करूँगा एडिटिंग के टाइम, जो भी है रियल है, देख सकते हैं आप। और अब हम जाएंगे और भी ऊपर, ऊपर जाने के बाद और भी सीन्स दिखाएंगे आपको। वो सामने आई थिंक बनी हुई होटल लग रहा है मुझे, यहाँ से कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है। और चलते हैं आगे, ऊपर उड़ रहे हैं पक्षी और आकाश। और ये सिनेरियो शूट हो रहा है यहाँ से, यहाँ तक काफ़ी लंबा है ये और बहुत ही मस्त लग रहा है, देख सकते हैं आप। अब हम आ चुके हैं
इस पूरी की पूरी लाइन, इसको जो भी बोलते हैं, इसके इनिशियल पॉइंट पर, यहाँ पर जूते काफ़ी फिसल रहे हैं, पानी है यहाँ पर, और इनिशियल पॉइंट पे यहाँ पर है भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रेम मूर्ति, जो भी बोल सकते हैं, वो भी दिखाऊंगा। और यहाँ पर है झरना, देख सकते हैं, और अल्ट्रा स्टेबल मोड है, इसकी वजह से जूम वगैरह होता नहीं है, तो देख सकते हैं आप। और यहाँ से होकर हम दिखाएंगे यहाँ, जो कि बहुत लंबा जा रहा है, पूरे डिप्रेशन में, इसकी वजह से जो आगे के सीन से वो दिख नहीं रहे, सारे स्टेप बाय स्टेप नीचे जाते जा रहे हैं उसी की वजह से। और इधर आते हैं, इधर काफ़ी मस्त सीन है, दिखाता हूँ मैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं पूरे एकदम, अरे भाई क्या बोले, मतलब बहुत ही मस्त लग रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी कटिंग्स नहीं हुई है, बट मुझे गलतियाँ निकालना पसंद है, बट अभी पसंद नहीं है, तो मैं नहीं निकालूंगा गलतियाँ। और बाकी मस्त लग रहा है, देख सकते हैं आप। अब हम आ चुके हैं ऊपर, और यहाँ से पूरा का पूरा आपको सीन देख रहा होगा, काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर। और ये अप्रोक्सीमेट 60 एकड़ में फैला हुआ है गार्डन, और अगर हमारे साइड का कैलकुलेशन करें तो 90 बीघा 90 बीघा में फैला हुआ है। यहाँ पर एक होटल है रॉयल ऑर्किड करके, और सामने वो दीवार दिख रही होगी आपको, मैं फोकस करता हूँ, वो है डैम की दीवार, देख सकते हैं। और यहीं से स्टार्ट हो रहा है पानी और जा रहा है, ये लोग खड़े हैं यहाँ पर, देख सकते हैं। और यहाँ पर ऊपर भी हरियाली काफ़ी ज़्यादा है, और काफ़ी मस्त गार्डन है। और आगे चलते हैं, आने के बाद आ जाते सारे फ़ोटोशूट्स के सीन, काफ़ी मस्त मस्त है। यहाँ पर एक पेड़ है जो कि ऑरेंज कलर का है, उसके बाद इधर पूरा का पूरा सीन, बट इधर शांत है चीज़ें, इधर कुछ पानी वानी नहीं चल रहा है, डू नॉट प्लग द फ्लोवर, और ठीक है भाई। और ये हाथी के शेप में बनाया गया है, पेड़ से कटिंग है ये, तो मैं आपको मेरे घर पे भी दिखा दूंगा, इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं, घर का टूर भी कराऊंगा मैं जब घर जाऊंगा, अभी तो यहाँ पर हूँ मैं कर्नाटक में। और ये जो सिटी है बेंगलुरु के पास में ही है, मैसूर कर्नाटक में है, काफ़ी मस्त सिटी है, यहाँ पर रॉयल चीज़ों के लिए फेमस होती है सिटी, और काफ़ी सारी रॉयल चीज़ें। ताजमहल के बाद जो सेकंड सबसे अच्छा जो बिल्डिंग बना हुआ है वो मैसूर में ही है, मैसूर पैलेस करके उसका नाम है। वहाँ पर तो आई थिंक हम नहीं जाएंगे, बट कोशिश करेंगे अगर कहीं दिख जाए तो, क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमें यहाँ से निकलना है महाराष्ट्र, सो एक प्रॉब्लम रहेगी बस। और यहाँ पर देख सकते काफ़ी मस्त मस्त चीज़ें हैं, ये कुछ नए नए फ्लोवर्स हैं, देख सकते हैं आप। और इधर भी कुछ शेप्स बने हुए हैं, ये कुछ इंसानों के बने हुए हैं। और वहाँ पर ऊपर चढ़ने का है आई थिंक, तो हम ऊपर चढ़ के भी आपको दिखाएंगे सारी चीज़ें, तो चलते हैं वहीं पे। और यहाँ पर कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ, इस पेड़ का शेप देखो आप। और यहाँ पर जो है एंट्री, वो मना कर दिया है, क्योंकि ये नो एंट्री है, क्योंकि यहाँ पर जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा, उधर गिरने का, उधर पूरा डैम बना हुआ है, और यहाँ पर कुछ मंदिर वगैरह है। और चलते हैं आगे इस साइड, और इस साइड कुछ आई थिंक शिवलिंग बनी हुई है एक शेप्स में। यहाँ पर डस्टबिन बहुत बढ़िया वाला है, ऐसे डस्टबिन मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट है, से इंडिया में डस्टबिन रखिए, जहाँ पर इधर से कचरा डालो पीछे से निकल जाता हाथों हाथ तो सही रहेगा। और अंदर चलते हैं, इधर दिखाता हूँ, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं और सामने बहुत मस्त हरियाली, यहाँ से भी, और ये हाइट पे तो यहाँ से भी नीचे की चीज़ें दिखेगी, वो भी दिखाऊँगा मैं, तो बने रहिए मेरे साथ। और यहाँ पर फ़ोटोशूट्स का मेरा कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि मेरे फ़ोटोज़ लेने वाला यहाँ पर कोई नहीं है तो इसीलिए ओनली वीडियोज़ बन में बना रहा हूँ। और यहाँ पर दिखाता हूँ मैं और भी चीज़ें, ये देख सकते हैं आप, हाय टू माई सेल्फ, हाय। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पूरे वो बने हुए थे ना डिज़ाइनिंग, उनको हाइट से देखो आप, और काफ़ी मस्त है। वृंदावन गार्डन के नाम से ये गार्डन जाना जाता है, और उधर है मेरे साथ वाले सारे। फाइनली अब हम जा रहे हैं नीचे, नीचे जाने के बाद और भी चीज़ें मैं दिखाऊंगा,
ये ग्राउंड का हाफ पार्ट था और गार्डन के उस पार हाफ पार्ट है, ग्राउंड नहीं गार्डन। और यहाँ पर है शेषनाग जहाँ पर हम खिंचाएंगे फोटोज। यहाँ पर कुछ लोग फोटोज खिंचवा रहे हैं, शेषनाग बने हुए और हम खिंचवाएंगे। इस पार पूरा हमने कवर कर लिया है और यहाँ पर है सामने मेन गेट और अब हम जाएंगे इस पार और इस पार पूरा कवर करेंगे, तो बने रहिए। चुके हैं इस पार सामने, वहाँ पर हम जाएंगे, वहाँ पर काफ़ी मस्त मस्त नज़ारा है और हम हो जाते हैं इस पार ताकि थोड़ी वीडियोस अच्छी बनेगी। और इधर साइड है पार्किंग और यहाँ से अब हम दिखाएंगे सामने का नज़ारा, तो बने रहिए। सामने का नज़ारा यहाँ से फोकस करने पे थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, देख सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं। उड़ उड़ दाबंग 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 उड़ उड़ दाबंग 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 दाबंग। फाइनली हम पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ा और दूर है। यहाँ पर वापस डैम वाला रास्ता आ चुका है और इधर साइड जो हम अभी जाके आए हैं और हमें पहुंचना है वहाँ पर, तो बने रहिए मेरे साथ। और इसी के साथ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गोपाल अंपायर व्लॉग्स के नाम से चैनल है, तो भाई पहले जाके लाइक करो। हाँ लाइक करो, अभी तक किया नहीं है, पहले वीडियो को पोस्ट करो और लाइक करो, उसके बाद मैं आगे की चीज़ें दिखाऊंगा। चुके हैं इस पार, यहाँ पर बीच में बना हुआ है कुछ पानी का, बोल सकते तालाब टाइप, और वो जो वहाँ से जो पानी आ रहा था ना वो पूरा का पूरा इसी में मिलता है और यहाँ से मोटर के द्वारा वापस ऊपर भेजते हैं, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर काफ़ी मस्त मस्त यहाँ पर भी सीन्स है। और ये हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा, नाम है इसका हर्ष चौधरी। कहाँ का है रे? ये रतलाम का रहने वाला है। और इसी के साथ आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ खाने पीने की चीज़ें और भी मस्त मस्त सीन्स है, मैं दिखाता हूँ आगे चल के, क्योंकि मैंने भी नहीं देखे हैं बट बोल रहा हूँ, बोलने के लिए क्या आ जाता है, तो बने रहिए। यहाँ पर ये अभी तो स्टार्ट हो रही है दुकानें, अभी तो चालू भी नहीं हुआ खाने पीने का, कुछ कुछ जगह है। यहाँ पर पानी पूरी है, देखते हैं खाएंगे कि नहीं। और इधर चल के दिखाते, इधर चलते, इधर 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 आ जा, इधर आ जा, फिर चलेंगे उधर। और इधर चल के दिखाते हैं सारे व्यूज, या गुलांडी हाउस में चलो। हुड़ हुड़ दाबंग दाबंग दाबंग। और यहाँ पर कुछ लिखा हो होटल मयूरा बोट क्लब, 40 रुपये में बोट घुमाती है इसके अंदर। और इधर और ऊपर भी सीन है भाई, बहुत बड़ा गार्डन है, हमें पता भी नहीं था, वहाँ से पूरा सीन दिख नहीं रहा था कितना बड़ा है। और ये भाई ये परेशान कर देता है मुझे, आज पहली बार इसको वीडियोस में मैं लाया हूँ और अब शायद बाद में और भी ज़्यादा दिखेगा वीडियोस में। यहाँ पे देखिए मस्त नज़ारा, काफ़ी मस्त नज़ारा, सॉरी, ये बहुत बढ़िया नज़ारा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ का व्यू मैं लूँगा, दैट्स द व्यू। और इधर है ऊपर सन और यहाँ पर है झरना, यहाँ से और ऊपर जाके भी दिखाऊंगा मैं और भी चीज़ें। यहाँ पर पेड़ काफ़ी मस्त मस्त, देख सकते पूरा का पूरा सिनेरियो। ये डैम चला, ये भाई स्टंट कर लेता है, यस लगी है इसको, बट काफ़ी हद तक कर लिया है। वन मोर। और हम एक और स्टंट इसके साथ देखेंगे, जल्दी जल्दी ये, अरे वो वाला यस, ये इसने थोड़ा परफेक्टली किया है, यस आ जा, ये और भी कर रहा है, लगी है इसको। हम ऊपर जाकर और भी चीज़ें देखते हैं। नहीं ये भाई इन छोटे बच्चों के कारनामे, बस। और अब हम यहाँ से दिखाएंगे और भी चीज़ें, यहाँ पर है पेड़, ये वाले पेड़ में बोल रहा था, घर पे मेरे है तो मैं दिखाऊंगा, घर का टूर कराऊंगा तो। और सामने है डैम की दीवारें और वापस से जो उधर साइड सीन था वैसा का वैसा सीन है। यहाँ पर धूप काफ़ी ज़्यादा है भाई, टेनिंग काफ़ी हो चुकी है, साउथ में घूम घूम के बहुत ज़्यादा धूप है इधर। और यहाँ से अब हम जाएंगे आगे,
तो हम इधर से जाएंगे क्योंकि उधर कुछ लोग हैं। और अभी अपने कर्नाटक में मैसूर, और ऊपर जाकर मैं और भी सीनेरियोज दिखाता हूँ, तो बने रहिए। और यहाँ पर वापस देख सकते झरना, और ये एंड पॉइंट है शायद इस गार्डन का। ऊपर थोड़ा बहुत और है, वो मैं दिखा दूंगा। इसके बाद आई थिंक एंड पॉइंट है, और उधर साइड का एंड पॉइंट मैंने दिखाई दिया था। बने रहिए, चलते हैं। ये भाई कैमरा देख देख के ज़्यादा हरकतें करता है। चलो चलते हैं ऊपर और दिखाता हूँ। वीडियोस थोड़ी लंबी होगी, चलेगा, क्योंकि गार्डन भी बहुत बड़ा है और मैं इस बार थोड़ा कट वट कम रखूँ, सारी चीज़ें दिखाऊँगा। तो और यहाँ आने के बाद ये रहा इसका एंड पॉइंट, यहाँ पर है पूल, ये भी देखते हैं, चलते हैं। ओए आओ, ये इसके फूल्स आ चुके हैं। और यहाँ पर इसका एंड पॉइंट है। हमने पानीपुरी खाने के बाद अब हम जाएंगे वापस बस में। तो आई थिंक ये व्लॉग मैं यहीं एंड करूँगा। वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, और गोपाल अंपायर्स व्लॉग के नाम से चैनल है, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं कवर करूँगा आई थिंक किष्किंधा या फिर महाराष्ट्र जाएंगे तो वहाँ पर ज्योतिर्लिंग है वो कवर करूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय। या से बाय बाय।